मेरा जो बीमारी था 2 साल पहले था, मेरे बॉडी के लेफ्ट साइड में वीकनेस हो गया, तो हमने वहाँ अफगानिस्तान में ट्रीटमेंट करवाए, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे ब्रेन में जो है ट्यूमर है। तो हम 2 बार पाकिस्तान गए ऑपरेशन के लिए, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया। फिर काफी रिसर्च के बाद हमने डिसाइड कर ली कि हम इंडिया दिल्ली जाए, और दिल्ली जब गए तो वहाँ सारे हॉस्पिटल की रिसर्च के बाद हमने मणिपाल हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर दिया, और वहाँ पे डॉक्टर अनुराग सक्सेना साहब न्यूरो सर्जन के साथ हमने अपॉइंटमेंट ले ली, और उन्होंने कहा कि इससे ऑपरेशन भी करवानी पड़ेगी। फिर हमने डिसाइड कर ली कि ठीक है, हम ऑपरेशन करवाएंगे, आप तीसरे ऑपरेशन के बाद में बिल्कुल ठीक हो। जबकि बाजे बीमारों का तीसरे ऑपरेशन के बाद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हो, मेरा वीकनेस बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास हो। और थैंक यू टू अनुराग डॉक्टर साहब और मणिपाल हॉस्पिटल, और मणिपाल हॉस्पिटल के सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं। Abdul is a case of a recurrent brain tumor called as meningioma. He was operated twice outside India for the same problem, and he has developed significant amount of increase in the tumor size in spite of radiotherapy which was given to him. Now, being a recurrent case operated twice in the same area of the brain, the surgical risk and complications of this kind of procedures obviously increases. However, he underwent a successful removal of the tumor with help of microscope and neuronavigation. And after the biopsy, he has been planned for radiotherapy. He has shown no complications. He has improved significantly in his symptoms. And I wish him all the best for his future.